नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आई नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। बसपा सुप्रीमो मायावती ने जीआईसी के मैदान में बस्ती मंडल के तीनों जिलों के प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा की। कहा कि बीजेपी कांग्रेस सहित अन्य दलों के चंदाखोरी की पोल सुप्रीम कोर्ट ने खोल दी है। इलेक्टोरल बॉन्ड प्रकरण में सभी फंसे हैं। पूरे देश में बसपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो किसी भी पूंजीपतियों से कोई चंदा नहीं ली। अन्य सभी पार्टियां भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को झारखंड के जमशेदपुर में विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, कांग्रेस और जेएमएम वालों को विकास का खा गा खा भी नहीं मालूम है। इनका तरीका है झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो, इधर भी बोलो उधर भी बोलो। इनके मुद्दे हैं, गरीब की संपत्ति का एक्सरे करेंगे, उसे छीनेंगे, SC ST OBC का आरक्षण छीनेंगे, मोदी जी को रोज नई नई गालियां देंगे, इससे आगे ये सोच भी नहीं सकते। केंद्र मंत्री अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में दो जनसभाओं को संबोधित करते हुए ये टिप्पणियां की। उन्होंने कहा, मोदी के शासन के तहत हमारी सेना और मजबूत हो गई है, इसका मनोबल बढ़ गया है और सीमाएं मजबूत हो गई, जबकि कांग्रेस के शासन के दौरान कुछ भी सुरक्षित नहीं था। कर्नाटक की राजनीति में हलचल मची हुई है। पूर्व प्रधानमंत्री SD देवेगौड़ा के पोते और हासन सीट से सांसद प्रज्वल रिवन्ना पर कई महिलाओं से यौन शोषण करने का आरोप। उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही। अब जनता दल सेक्युलर के निलंबित उम्मीदवार खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया। पिछले महीने प्रज्वल रिवन्ना पर यौन उत्पीड़न, इसके सैकड़ों वीडियो रिकॉर्ड करने, धमकाने और साजिश रचने का आरोप है। केरल के कई हिस्सों में बारिश होने के कारण अधिकारियों ने रविवार को लोगों, खासकर पहाड़ी और तटीय इलाकों में रहने वालों से सतर्कता बरतने का आग्रह किया। मौसम विभाग ने रविवार और सोमवार को लेकर पथा, नामथिट्टा, कोट्टयम और इडुक्की जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया और चार अन्य जिलों तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, अलापुझा और एर्नाकुलम के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कैसरगंज में सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह अपने बयानों से चर्चा में बने रहते हैं। बीते दिनों मुख्यमंत्री को अपना नेता मानने से इनकार करने वाले ब्रजभूषण ने शनिवार को एक मीडिया संस्थान को दिए बयान में खुद को योगी आदित्यनाथ का गुरु भाई बताया। उन्होंने कहा कि मैं महाराज अवैधनाथ का अघोषित शिष्य हूँ। सांसद ने कहा कि योगी आदित्यनाथ हमारे मुख्यमंत्री हैं, गुरु जी जितना उन्हें मानते थे उससे कम हमको नहीं मानते थे। मैं आदित्यनाथ से उम्र में बड़ा हूँ, हम दोनों बचपन के दोस्त। IPL 2024 के सबसे महत्वपूर्ण और रोमांचक मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु RCB ने चेन्नई सुपर किंग्स को 27 रनों से हरा दिया। इस जीत के साथ RCB प्लेऑफ के लिए भी क्वालिफाई कर ली गई है। RCB की इस जीत से क्रिकेट प्रेमी और फैंस काफी ज्यादा खुश हैं। यहां तक कि स्थानीय लोग अपने घरों से निकलकर सड़कों में जश्न मनाने के लिए आ गए। फैंस को सड़कों पर नाचने के साथ पटाखे भी जलाते हुए देखा गया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने रविवार को बीजेपी पर पार्टी खत्म करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पीएम ने आम आदमी पार्टी को कुचलने का इरादा बनाया है, उसके लिए इन लोगों ने एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम है ऑपरेशन झाड़ू। उनसे मिलने के बाद आए लोगों ने मुझे यह बताया, इनका कहना है कि पार्टी को किसी तरह सड़क पर लाया जाएगा। कार्तिक आर्यन की मोस्ट अवेटेड फिल्म चंदू चैंपियन का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। ट्रेलर लॉन्च इवेंट कार्तिक के होम टाउन ग्वालियर में रखा गया। ट्रेलर में कार्तिक का जो लुक सामने आया वह काफी चौंका देने वाला। साजिश नाडियाड वाला और कबीर खान द्वारा एक साथ प्रोड्यूस की गई चंदू चैंपियन इस साल की सबसे बड़ी रिलीज होने वाली फिल्मों में से एक है। फिल्म का डायरेक्शन कबीर खान ने किया। चंदू चैंपियन 14 जून 2024 को सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है। अधीर रंजन ने ममता पर निशाना साधते हुए कहा कि वो किसी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में नहीं बोल सकते जो राज्य में उन्हें और उनकी पार्टी को राजनीतिक रूप से खत्म करना चाहता है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि मेरा ममता से कोई व्यक्तिगत शिकायत नहीं, लेकिन मैं उनकी राजनीतिक नैतिकता पर सवाल उठाता हूँ। ममता बनर्जी की इस टिप्पणी के बारे में पूछे जाने पर कहा कि बाहर से NDA गठबंधन सरकार का समर्थन करेंगी और अधीर रंजन ने कहा कि बंगाल की मुख्यमंत्री पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहें हमारे साथ।